गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एम नाजिम टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आज एक ट्यूटोरियल लाया हूँ जिसकी मदद से आप अपनी सेल्फी को अच्छी से अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक फ़ोटो एडिट किया हूँ, देख सकते हैं ये फ़ोटो मैंने एडिट किया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला फ़ोटो दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये फ़ोटो पहले ऐसा था, ओरिजिनल में मैंने ऐसा ही खींचा था मेरा मोबाइल कैमरा से, और उसको मैं एडिट करने के बाद इस तरह बनाया हूँ दोस्तों। जी हाँ, इस तरह बनाया हूँ, आप देख सकते हैं इसमें और उसमें कितना अंतर है दोस्तों। तो आप भी इस तरीका का फ़ोटो एडिट करके आप जिसमें चाहे उसमें पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहाँ फोटो डायरेक्टर लिखिए, फोटो डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, फोटो डायरेक्टर जी हूँ लिखेंगे, आपको उसका इंटरफेस दिखा देगा। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो डायरेक्टर लिखे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का इसका इंटरफेस दिख जाएगा। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ये अपडेट मांगता है, मैं अपडेट करूँगा नहीं। आप चाहे तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उसको खोल लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हाँ पहले से मेरा डाउनलोड किया हुआ है, मैंने इसको खोल लिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का इसका इंटरफेस खुल जाएगा। चाहे तो आप कैमरा से भी डायरेक्ट फ़ोटो ले सकते हैं, या तो अपना गैलरी से। गैलरी से लेना है तो आपको एडिट बटन पे मार देना है। एडिट बटन पे मारने के बाद आपका जितना भी गैलरी में पिक्चर रहेंगे वो चीज़ दिखा देगा। तो मैं अभी ये फ़ोटो को एडिट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप खुल जाएगा। खुलने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों ये फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा फ़ोटो अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप क्रॉप कर लीजिए, फ़ोटो का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा लगेगा। मैंने कर लिया, देखिए ये फ़ोटो में अब रौनक आ गया। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो आपको इसमें हल्का सा लाइट देना है, लाइट देने के लिए यहाँ से आप लाइट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए लाइट ले लिए। अब मुझे कलर बढ़ाना है, कलर बढ़ाना है तो कलर के लिए ये टूल्स लीजिए, HSL ये टूल्स लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप जिसका कलर चाहेंगे उसका बढ़ेगा। मुझे अभी मान लीजिए पैंट का कलर जैसा है उस तरह का कलर लेना है, तो मैंने इसमें मार दिया। ये देखिए दोस्तों, इसमें मार दिया। अब इसमें सिर्फ पैंट का ही कलर बढ़ेंगे, ये देखिए दोस्तों, एक सिर्फ पैंट का कलर बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पैंट का कलर बढ़ गया। अब मुझे इसको यहाँ कर देना है। अब मुझे घास का कलर बढ़ाना है, तो घास का कलर बढ़ाने के लिए आप घास का कलर ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस तरीका से आप कर सकते हैं। इसमें और रौनक बढ़ाने के लिए थोड़ा इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ग्रीन कलर का। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, अब इसी को देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगने लगा। फिर इसको सेव कर लीजिए। करने के बाद इसमें आप ये रिमूव है, इसमें से अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। सपोज मुझे इसको अगर हटाना है तो इसमें आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये रिमूव हो गया, इसको अच्छा नहीं लगा तो आप फिर बैक बटन ले लीजिए, फिर बैक ले लीजिए। जी हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको रिमूव करना है और चलाइए दोस्तों। अगर आपको इफ़ेक्ट बढ़ाना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोड़िए, मुझे इफ़ेक्ट का ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको अगर पिक्चर को ब्लर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लर हो गया मेरा पिक्चर। फिर मैंने इसको ले लिया, ब्लर में अच्छा नहीं लगा तो ब्लर बैक कर दीजिए। उसके बाद कोई टैक्स का टूल लेना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो लाइट बढ़ा सकते हैं पिक्चर का। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये कलर ले लेता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर आप अपना फेस से इधर उधर करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट का बटन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए फिर मैं कर दिया इस तरह से। ये अच्छा, इस तरीके का भी आप बना सकते हैं अगर चाहे तो। इसका मुझे कोई ज़रूरी नहीं, मैं नहीं लूँगा। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कलर। कलर आपको एडिट करना है और कलर पे ही आपका फ़ोटो बनेंगे।
यह मेन स्टेप हो गया दोस्तों। यहाँ से आप चाहे तो जिस तरीका का आप फोटो आप चाहे उस तरीका का बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीका का बना सकते हैं। फिर इसमें आप ये कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। ये सारा टूल्स है, इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका पिक्चर अच्छे से अच्छे बन जाएगा। तो मैंने आपको सिर्फ हल्का सा बता दिया दोस्तों, इस तरीके से आप इसको अच्छा से अच्छा एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका का बनने के बाद यहाँ आप सेव पे मार दीजिए। सेव में मारने के बाद आपका फोटो सेव हो जाएंगे। फोटो सेव होने के बाद आप गैलरी में जाके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने अभी जो फोटो एडिट किया वो चीज़ दिखा दिया। तो आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद आपको इस तरीका का फोटो बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। फोटो तो एडिट करना सीख गए हैं, लेकिन फोटो एडिट करने के बाद आप जब फोटो को पोस्ट करेंगे या फेसबुक में हो या किसी चीज़ में हो, तो फेसबुक में पोस्ट करने के बाद आपका फेसबुक पोस्ट में लाइक आना चाहिए। उसके लिए मैं दो वीडियो बना के रखा हूँ, ये वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फेसबुक फोटो पर चंद मिनटों में आप लाइक ला सकते हैं, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, हाउ टू गेट मोर लाइक्स ऑन फेसबुक फोटोज़। ये दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, आप वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से अच्छी तरीक़ा से अपना फेसबुक पोस्ट पर लाइक पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आने से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।